Hey guys, welcome back to another brand new exciting video. My name is Zordas. And guys, कुछ दिन पहले आपको बताया जो Realme 9 Pro सीरीज है वो इंडिया में रिलीज हो गया. उसके अंदर दोनों फोन थे Realme 9 Pro एंड Realme 9 Pro Plus. और गाइज Realme वहीं पे थमा नहीं है. अभी Realme कुछ ही दिन पहले रिलीज डेट भी कन्फर्म हो गया है. और गाइज फोन Realme का जो नंबर सीरीज है Realme 9 सीरीज वो भी इंडिया में रिलीज जस्ट होने वाला है. एंड आज गाइज मैं इसके बारे में आपको सब कुछ बता दूंगा, प्राइस स्पेसिफिकेशन, रिलीज डेट. एंड गाइज Realme इस प्राइस सेगमेंट के अंदर ऐसे ऐसे स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड किया है जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है. ओके एंड गाइज अभी मैं भी Realme की तरह हर दिन आपको अपडेट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इस बात पे वीडियो को लाइक जरूर से कर देना. तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात गाइज, आप देख सकते हो मेरा जो चैनल है ऑलरेडी 67 के सब्सक्राइबर क्रॉस हो गया है और कुछ ही सब्सक्राइबर बाकी है, जिससे मुझे भी आपके भाई को भी एक सिल्वर प्ले बटन मिल सकता है. तो अगर हो सके थोड़ा सा मुझे भी हेल्प कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना. 1 लाख कंप्लीट हो जाता है तो मुझे भी एक सिल्वर प्ले बटन मिल सकता है. तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा चीज़, मैंने सुबह कोई पोको X4 Pro वर्सेज Redmi Note 11 Pro Plus के बीच फुल कंपेरिजन किया है, कैमरा टेस्ट भी किया है. तो आपको अगर देखना है ऊपर आई बटन में एंड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जरूर से चेकआउट कर लेना. गाइज Realme को मैं दाद देना चाहूँगा, कितना सारा फोन इंडिया में लॉन्च करता है यार, आप ही खुद सोचो. गाइज जैसे एप्पल सैमसंग जैसे ब्रांड है जो ईयर में एक सीरीज के अंदर एक ही फोन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा दो बार फोन लॉन्च करता है, जबकि आपको Realme के एक ईयर के अंदर आपको 3-4 फोन लॉन्च होते हुए देखने को मुझे मिल रहा है. ओके जैसे गाइज जो 10th मार्च है इसके अंदर Realme ने कंफर्म कर दिया है कि जो Realme का जो 9 सीरीज है वो इंडिया में देखने को मिलेंगे. एंड गाइज जो स्पेसिफिकेशन दिया है इस प्राइस पॉइंट पे, बट मुझे एक चीज समझ नहीं आ रहा स्पेसिफिकेशन के अंदर, मतलब कौन सा Realme का अच्छा फोन है या फिर कौन सा बुरा फोन है. गाइज अब देखो एक चीज कहना चाहूंगा, जो Realme 9 सीरीज है इसके अंदर आपको दो फोन देखने को मिलने वाला है. आप देख सकते हो यहां पर फोटोज पे लिखा हुआ है जो स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर इस फोन के अंदर होगा. उसके साथ साथ आप देख सकते हो एक और प्रोसेसर दिया हुआ है MediaTek की तरफ से Dimensity 810, एंड दोनों ही फोन 5G है. बट गाइज एक चीज मुझे समझ नहीं आ रहा, Realme 9 Pro सीरीज अच्छा है कि Realme 9 सीरीज अच्छा है. गाइज अब देखो कि Realme 9 Pro Plus के अंदर आपको MediaTek Dimensity 920 प्रोसेसर देखने को मिलता है, बट Realme नंबर सीरीज Realme 9 के अंदर आपको Snapdragon 778G प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो कि Dimensity 920 से काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है. अब मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ कि Realme क्या कर रहा है, अच्छा प्रोसेसर दे रहा है उसके लोअर सीरीज के अंदर एंड अपर सीरीज के अंदर कोई और प्रोसेसर दे रहा है. तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, Realme खुद कंफ्यूज्ड है मुझे लगता है, एक इतना सारा फोन को लॉन्च कर देता है. बाकी गाइस Realme इस सेगमेंट के अंदर रिकॉर्ड ब्रेक करने का सोच रहा है. इस सेगमेंट के अंदर एक ऐसा फोन आपको देखने को मिलेंगे इन दोनों फोन में से, जिसके अंदर आपको एक फोन के अंदर आपको 144 हर्ट्ज का आपको डिस्प्ले देखने को मिलेंगे. एंड ऑब्वियसली डिस्प्ले जो होगा वो LCD पैनल ही होगा, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे AMOLED प्लस 144 हर्ट्ज इंपॉसिबल है. इन दोनों फोन में से कोई एक फोन में के अंदर आपको 144 हर्ट्ज का पैनल देखने को मिलेंगे. अब गाइस इस फोन के अगर प्राइस की मैं बात करूं तो ऐसा मुझे लगता है कि 14,000 से 18,000 के अंदर ही होगा, क्योंकि इसके ऊपर प्रो वर्सन आ जाता है 18,000 के ऊपर. आपको पता है Realme 9 Pro 18,000 में बिकता है. एंड गाइज Realme इस सेगमेंट के अंदर प्रॉपरली एक पर्टिकुलर एक ऑडियंस को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि है गेमर्स. इस सेगमेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे फोन है जो कि अच्छा खासा प्रोसेसर आपको नहीं देखने को मिलता है. उसके लिए गाइज इस फोन के अंदर Realme ने गेमर्स को टारगेट करने के लिए, आपको पता है जैसे कि Realme का एक 30,000 रुपीज़ का एक फोन खरीदो या फिर 20,000 का, कैमरा लगभग सेम ही होता है. ओके अभी जो Realme 9 Pro Plus आया है उसके अंदर कैमरा थोड़ा अच्छा दिया है, बाकी कैमरा ज्यादातर Realme का सेम ही रहता है. तो इसीलिए Realme टारगेट कर रहा है एक गेमर्स टाइप के ऑडियंस को. इसकी वजह से आप देखो इतना अच्छा प्रोसेसर प्रोवाइड किया है, उसके ऊपर 144 हर्ट्ज का आपको डिस्प्ले वगैरह भी दिया है. इसकी वजह से गाइस ये फोन एक गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन होने वाला है. ओके जैसा मुझे लगता है, इसके ऊपर 5G वगैरह भी दिया है, तो काफी अच्छा फोन 10 मार्च को रिलीज होने वाला है Realme की तरफ से. तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको, छोटा सा वीडियो था बट मैं आपको सब कुछ लगभग अभी तक का जो भी मुझे पता चला है सब कुछ लगभग बता दिया. एंड गाइस एक बात की शिकायत हमेशा Realme से मेरा रहता है कि बहुत सारा फोन लॉन्च कर देता है, उसके बाद खुद मेंटेन नहीं कर पाता है, ठीक तरह से सॉफ्टवेयर को हैंडल नहीं कर पाता है फोन को. तो बस गाइज उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, छोटा सा वीडियो था बट बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको दिया. ओके तो वीडियो को टारगेट रखते आज का 100 लाइक का जरूर से पूरा कर देना. और अगर कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट करके बताओ. जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा पोको X4 वर्सेस रेडमी नोट 11 प्रो प्लस का जो कंपैरिजन बना है वो वाला वीडियो भी देख लेना. तो बस गाइज उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो को पूरा अंत तक का साथ देने के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद. I go to, and if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be?